आज हम देखेंगे टेपिंग सर्विस का कैसे प्रोसीजर होता है और किस तरीके से वो डन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल C22 सॉल्वेंट से आपके स्कैल्प से पैच को हटाया जाता है और पैच को हटाने के बाद बहुत इजीली वो रिमूव हो जाता है इस सॉल्वेंट से, क्योंकि ना कोई स्ट्रेस होता है ना कोई स्ट्रेच होता है, बहुत आराम से ये पैच स्कैल्प से आपके निकल जाता है। उसके बाद आप देखिए स्कैल्प को इस पैच से, इस टेप से या किसी केमिकल से कोई हार्म नहीं है, किसी भी तरीके का कोई स्कार स्कैल्प पे नहीं है, किसी भी तरीके का कोई स्किन पे इफेक्ट भी नहीं है, इवन एलर्जी भी नहीं है। अदरवाइज आप एक चेक करें तो टेप को ऐसे निकाला जाता है पैच में से, ये आप घर पे भी सारे प्रोसीजर कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस होता है, आपको ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें कि इसी तरीके से निकालना, बहुत इजीली आपकी टेप इसमें से पैच में से निकल जाती है और इससे पैच को भी कोई नुकसान नहीं है। आप एक बार 10 बार टेप लगाइए, ये देखिए पूरे पैच को घुमा के देखिएगा, इस पैच पे कोई भी किसी भी तरीके का हार्म नहीं है टेप को निकालते हुए या टेप को लगाते हुए। अब चेक होता है कि कैसे आप इस पैच को वॉश कर सकते हैं। आप छोटे से बाउल में ऐसे शैम्पू कंडीशनर शैम्पू लीजिए पहले, उसमें पानी भरिए और पैच को उसमें डिप करके रखिए। आप ये वीडियो दिखाने का यही आपको वो है, प्रोसीजर दिखाने का वही मेन रीज़न है कि आप इस चीज़ को घर पे भी अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप घर पे भी टेपिंग सर्विस को आप घर पे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता है, बहुत इजीली ये प्रोसेस घर पे भी हो जाता है, इसलिए आपको आज वीडियो बनाई जा रही है, दिखाई जा रही है कि आप घर पे भी कैसे आप इसे संभाल के रख सकते हैं, टेपिंग सर्विस घर पे भी कर सकते हैं। तो देखिए शैम्पू से आप अच्छी तरीके से कॉर्नर्स क्लीन कर लीजिए, इसके हेयर्स क्लीन कर लीजिए और आप पूरा पैच क्लीन कर लीजिए, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है और अच्छे से 2-3 बार डिप करके जितनी इम्प्योरिटीज़ होगी इसके अंदर से वो सारी निकल जाती हैं। उसके बाद साफ़ पानी से आप अच्छे से पैच को वॉश कर लीजिए, जितना भी शैम्पू अंदर होगा वो भी निकल जाएगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है कंडीशनर का, एक बोल में कंडीशनर ऐसे मिक्स करिए, उसमें डिप कर दीजिए, डिप करके डिप निकालिए, फिर डिप करिए, 2-3 बार ऐसे करिए, वो सारी जितना भी बालों में इम्प्योरिटीज़ होगी या फिर शैम्पू वगैरह होगा वो निकल जाएगा और बाल एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर साफ़ पानी से उसे निकाल लीजिए और बालों को नीचे ही रखिएगा, स्ट्रेट रखिएगा, जिससे वो बाल कोई टेंगल ना हो और कोई इलझे ना, जिससे बालों को शेडिंग वगैरह कम होती है। अब पैच देखिए, आप पैच बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है और कॉर्नर्स भी बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, उसमें कोई टेप वगैरह ग्लू नहीं है। अब टेपिंग की प्रोसेस की बात करें, अगर टेपिंग इसमें दोबारा करनी है तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप्स आप टेप की काट सकते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट के आप ऐसे लगा सकते हैं। और ये अगर आप चाहें तो एक प्रोफेशनल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर पे भी आ सकते हैं, हमारे यहाँ भी आ सकते हैं या फिर घर पे भी इजीली ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसका भी कोई हार्म नहीं है कि पैच को यूज़ करना है तो आपको हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर पे ही आना होगा। आप अगर टेपिंग करते हैं, टेपिंग एक ऐसा प्रोसेस है, आप घर पे भी 5-7 दिन 10 दिन में आप दोबारा टेप चेंज करके उसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ये राउंड एंड राउंड पूरे कॉर्नर्स पे नीचे सरफेस पे टेप लग जाती है और छोटी छोटी टेप्स की स्ट्रिप काट के आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे पैच के बेस को कवर कर लिया है टेप ने। अब आपको कटिंग का हम आपको प्रोसीजर सारा दिखाते हैं, हमारे यहाँ प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हमारे सारी चीज़ें होती हैं, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दे रखी है COVID-19 की, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ सारी चीज़ें करी जाती है, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों। आपकी कटिंग वगैरह भी प्रॉपर सैनिटाइज इक्विपमेंट से ही होती है, आप जितना आपको प्रेफरेबल जो आपका हेयर स्टाइल है उसी हेयर स्टाइल को आपको ऑप्ट करके दोबारा से वही हेयर स्टाइल हम बना देते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अगर कटिंग वगैरह आपको अगर करानी है अपने बालों की या पैच की, तो आप हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर्स पे ही आएँ, नॉर्मल बाबर शॉप पे ना जाएं, क्योंकि एक बार पैच का बाल कट गया तो वो बेकार हो जाएगा और हम नहीं चाहते आप प्रोडक्ट का वो चीज़ आप यूज़फुल ना हो के वो आपका डैमेज हो। तो इसलिए अगर कटिंग वगैरह आपको कुछ भी लेनी है तो आप हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर्स पे ही आएँ, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी सर्विसेज वगैरह क्लीन तो आप घर पे भी कर सकते हैं, बट कटिंग वगैरह आप हमारे यहाँ ही करवाएं, वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। जैसे कि देख रहे हैं आप बैक साइड से, साइड से जितना भी एरिया है वो सब कटिंग वगैरह होती है। और अब देखिए जितना भी आपका इफेक्टेड एरिया है, बॉल्ड एरिया है, वो सारी चीज़ें शेव करके तभी हम आपका पैच उस पर दोबारा चिपकाते हैं। और शेव करने के बाद जितना इम्प्योरिटीज़ है, वो बाल छोटे छोटे बचे हुए या केमिकल कुछ लगा हुआ है, उसे भी अच्छे से शैम्पू कंडीशनर से हम क्लीन करते हैं,
क्लीन करके ही वो पैच आपके सर पे चिपकाया जाएगा और वो सारी चीज़ें करी जाएंगी। विदाउट क्लीनिंग कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में भी, सारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, वो सारी यूज़ करते हुए ही हम डिस्पोजेबल टॉवल्स भी रखते हैं। वो टॉवल सिर्फ आपके स्कैल्प पे यूज़ होगा और वो डस्टबिन में जाएगा, कोई रीयूज़ नहीं होता है। उसके बाद आपके स्कैल्प पे स्कैल्प प्रोटेक्टर लगाया जाता है, जिससे आपका स्कैल्प प्रोटेक्टेड रहे, आपके स्कैल्प पे कोई एलर्जी वगैरह ना हो और ईजिली आपका स्कैल्प पैच को एक्सेप्ट कर सके। पैच ऐसे लगाया जाता है, इस वीडियो को क्लियरली दिखाने का यही रीज़न है कि आप घर पे भी अच्छे से उस पैच को यूज़ करें, आप अच्छे से उस चीज़ को लगा सकें। तो इसीलिए आज की वीडियो ये हमारी बनाई जा रही है टेपिंग सर्विस की। फ्रंट में से आप अच्छे से दाब लीजिए, चेक कर लीजिए कि कहीं वो लूज़ तो नहीं है। आप देख सकते हैं बाल खींच भी रहे हैं, लेकिन टेपिंग में भी ये पैच सर पे से नहीं हटता है। चाहे कितना भी ज़ोर से स्ट्रेच करो, हिलाओ, खींचो, ये सिर्फ टेप से चिपका हुआ और टेपिंग में भी इतना होल्ड रहता है कि ये सर पे से नहीं निकलेगा। उसके बाद कॉम्बिंग वगैरह, स्टाइलिंग वगैरह की जाती है। जैसा आप प्रेफरेबल हेयर स्टाइल रखना चाहते हैं वो हेयर स्टाइल आपको सब मिल जाते हैं इसमें। और ये पैच, इन पैचेस में कई पैचेस होते हैं जो फ्री स्टाइल होते हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि आप पार्टीशन ही निकाल के रखिए। आप कोई भी हेयर स्टाइल कभी भी कैसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। घर पे भी जाएंगे तो आप रोज डेली हेयर स्टाइल चेंज करिए, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती। और जितना भी हेयर पैच का हेयर है वो सारे मैच किए जाते हैं आपके एग्जिस्टिंग हेयर से, और मैच होने के बाद ही वो आपको बिल्कुल रियल लुक देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट लुक देता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके स्कैल्प पे पैच भी लगा हुआ है। ड्रायर वगैरह करके आप बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं पैच को, पैच के हेयर्स को, और अच्छे से आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी स्टाइलिंग करके दिखा रहे हैं, स्टाइलिंग के बाद फिर आपको हम बताते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है आपका। पूरे अच्छे से आप फ्रंट लुक, आप बैक लुक, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स मैच हो चुका है ये पैच, और ये सर आज से नहीं, कम से कम 2-2.5 साल हो गए हमारे पास इनको आते आते, सर्विस लेते लेते, तो ये इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। मैं यही अपने क्लाइंटों से सजेस्ट करता हूँ, आप अपने पैच को जितना अच्छे से मेंटेन आप रख सकते हैं और कोई नहीं रख सकता। आप मंथली सर्विस लेते रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन 29 डेज आपको वो घर पे ही आपको मेंटेन करना है, वही उस पैच की मेंटेनेंस रहती है और वही असलियत आपका केयर रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली एक पैच की लाइफ और एक्सपेक्टेंसी एक आप अगर देखें तो उसी के अकॉर्डिंगली रहती है। आप कितने अच्छे से आप अपने घर में मेंटेन करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली एक पैच की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी जुड़ती है। फ्रंट लुक देखिए, आप बैक देखिए, अच्छे से मेंटेन किया हुआ पैच है ये, कोई इसमें बाल श्रेड नहीं है, ना कहीं से कटा हुआ है ना फटा हुआ है, बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल आ सकता है। और ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं, सिरम लगा के आप इस पर सिरम लगाइए, जेल लगाइए, वैक्स लगाइए, आप होल्ड लगाइए, वो स्प्रे आते हैं स्प्रे होल्ड लगाइए, आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। रियल ह्यूमन हेयर होते हैं नॉटेड, इसमें रूटलेस होते हैं बट होते ह्यूमन हेयर ही हैं, इसलिए आप ऊपर से इसे जितना प्रोटीन आप दे सकते हैं उतना दीजिए, वो और इफेक्टिव रहता है। जितना नरिशमेंट आप आफ्टर यूज देंगे इसे, उतना ही नरिश, उतना ही नेचुरल लुक आपको प्रोवाइड करेगा। आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक लुक आया इनका आफ्टर सर्विस, पहले सर्विस से पहले और सर्विस के बाद में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बस मेंटेनेंस के ऊपर ही बात होती है, मेंटेन आप जितना अच्छे से करके रखेंगे उतना ही इफेक्टिव एक लुक देंगे। मुझे 2 साल हो गए हैं पेच लगाए हुए और मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और ना मेरे किसी दोस्त को पता कि मैंने सिर पर कुछ लगा रखा है। तो आपके अभी किसी दोस्त को भी नहीं पता कि आपने कुछ लगाया हुआ है? नहीं, नहीं, मेरे किसी दोस्त को भी नहीं पता, मैंने सिर पर कुछ करवा रखा है। और आप जैसे 2 साल से इसको यूज कर रहे हैं तो 2 साल में आपको साइड इफेक्ट कुछ रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, मुझे कोई खुजली वगैरह कुछ हुआ है अभी तक? कुछ ऐसा नहीं होता और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और जैसे आपकी स्किन के ऊपर कोई दाने वगैरह कुछ निशान वगैरह कुछ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना? साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बहुत नॉर्मल है। बाकी आपको देख के किसने कुछ पहचान पाया अभी तक कि आपने कुछ लगाया हुआ सर के ऊपर? आज तक 2 साल हो गए मुझे किसी ने पहचाना तक नहीं कि मैंने सर पे कुछ लगवा रखा है। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं फर्स्ट के लिए ये कहना चाहता हूँ, आप रियल हाउस में आओ और अपना गंजापन दूर करो
और आपको यहाँ पे आकर बहुत अच्छा महसूस होएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपको अभी तक जो सर्विसेज मिली हैं आप उसमें बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट हो। यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है। और जो यहाँ आप आओ, यहाँ पे ये काम करवाओ जी सर, अच्छा। थैंक यू, थैंक यू।